हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नवीन पहाड़ी ब्लॉग्स। तो गाइज, आज का ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हटकर है और आप ना नोटिस मत करना, अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ। उसका रीज़न ये भाई कि बहुत ज़्यादा ना कल रात से लाइट ही नहीं है और हो चुका है। और अभी आपको दिखाता हूँ, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है रात भर आज और इतना तूफान चल रहा है आज अभी भी ऋषिकेश में। आप देखो और सामने देखो गाइज, आप कितना बढ़िया बादल है यार। देखो सामने आपको दिख रहे होंगे पहाड़ी पे। चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो अभी आप देखो बैक कैमरे से, ये है भाई हमारे श्यामपुर ऋषिकेश का नज़ारा और बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ भी आ रही होगी। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ बादल, और वो देखो पहाड़ी के ऊपर बादल है और वहीं से हमारा जो है गांव पड़ता है लमगांव, और वहीं से हम चंबा होते हुए, नरेंद्र नगर से चंबा होते हुए हम जाते हैं अपने गाँव जब हमें जाना होता है। तो चलिए यार फटाफट से नाश्ता कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो यार दोस्तों, अभी मैं जा रहा था दूध लेने के लिए दुकान पर, बिकॉज़ यार आज ना भाभी जी के यहाँ से, हमने जहाँ से दूध लगा के रखा हुआ 1 किलो डेली, उन्होंने कहा कि भाई आज ना गाय ने ना पैर डाल दिया बकेट में, यानी कि पैर डाल दिया तो गोबर ही गोबर दूध में फैल गया है। तो आज हमें मार्केट से लेके आना पड़ेगा। और अभी आपको एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो कितनी बढ़िया खेती करते हैं लोग यहाँ पर। देखो ये बाहर के लोग हैं और भाई भिंडी लगा रखी है और भी बहुत सारी सब्जियाँ हैं पीछे ना, वो लोग अभी ना भिंडियाँ तोड़ रहे हैं और फिर वो सेल करते हैं उस चीज़ को। तो हमें भी जब भी ताज़ी ताज़ी सब्जी खानी होती है तो भाई हम यहाँ आते हैं, उनसे लेते हैं और 5-10 रुपए सस्ती मिल जाती है और ताजी की ताजी मिल जाती है। तो चलो गाइस अब चलते हैं आगे प्लॉट पर। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने घर पर, जहाँ पर हमारे घर का काम चल रहा है और ऊपर की देखो चिनाई शुरू हो चुकी है और बीम भी जो है ऊपर खड़े हो चुके हैं। और अब इसमें यार बहुत टाइम लगने वाला है, अभी दिसंबर तक ये फाइनल कम्प्लीट होगा। और ये है ऊपर का हमारा फ्लोर जहाँ पर हमारे अभी रूम्स बनेंगे। ये बीम खड़े हो चुके हैं और यहाँ पर भी अभी बीम खड़े करेंगे। और अभी पापा कर रहे हैं तराई, बिकॉज यार तराई करनी बहुत ज़रूरी है और बहुत तेज़ हवा चल रही है भाई, बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो यार तराई हमने कंप्लीट कर ली है और पापा जी सीख रहे हैं बाइक, तो अभी हाथ साफ कर रहे हैं पापा। बहुत गलती करते हैं पापा गियर डालने में। अब देखते हैं। और पापा को सिखाने का रीज़न ये है कि भाई अब ना बाइक पापा को हम देंगे और हम जो स्कूटी पापा यूज़ करते हैं उसको मोनी यूज़ करेगी और भाई हम लेंगे एक नई बुलटा, यानी कि बुलेट लेंगे उस टाइम बाद। तो तब तक पापा का हाथ ना जो है सेट हो रहा है इस पर, क्योंकि गियर गियर डालने में प्रॉब्लम आती है। स्कूटी में बहुत सिंपल होता है भाई, एक्सेलेटर दो और चल लो राइट ना पापा। तो देखो एक्सेलेटर दे चला। और यार अभी बच चुके हैं शाम के 5 और काम हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। लेकिन यार आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, ये है एक socialblade.com एक वेबसाइट है और मेरे यूट्यूब की अर्निंग की दिखा रहा है मंथली $30,000, यानी कि 30,600, यानी कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ 30,600 मल्टीप्लाई 78 रुपी चल रहा है, तो भाई मेरी मंथली अर्निंग दिखा रहा है 23,86,800 रुपये। भाई ये बिल्कुल फर्जी है, ये वेबसाइट पर भरोसा करना यार बिल्कुल, क्या बताऊँ मैं। अब इतना ज़्यादा अर्निंग अगर मेरी होती ना, मैं करोड़पति बन जाता आज। और एक और कमाल की बात कि यहाँ पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर तो हो ही गए हैं। और ये है फेसबुक के हमारे फॉलोवर्स हैं 4,352 और ये है भाई इंस्टाग्राम के बहुत कम है। तो अगर आपने अब तक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप फॉलो जरूर करना। और ये है मिश्रण जी और ये लेके जा रहे हैं माइक, किसको मारने जा रही है ये उधर मच्छर हो रहे ना, इसको डरा रहा मैं। तो इसे गाइस क्या आपने देखा कभी ऐसे मच्छर मारते हुए? मच्छर मार रहा है ये मच्छर, रात को और तबीयत खराब हो जाती दिन में। फिर तो इस डंडे का क्या कमाल है भाई, इस साथ में समझ आया मच्छर को ऐसे इसके अंदर ऐसे प्रेस करूंगा इसमें ऐसे, ये क्या बात है। तो चलो ठीक है। तो भाई अब देखो पापा जी ने दोबारा से कर ली बाइक स्टार्ट, अभी हम जा रहे हैं घुमाने वाला श्यामपुर से और देखते हैं पापा कैसे बाइक चलाते हैं। गियर डालने में बहुत दिक्कत हो रही है पापा को, क्योंकि अभी अंदाज़ा नहीं है ना इतना कैसे कैसे गियर डालना है, बिकॉज ना इनको स्कूटी चलाने की आदत है। और मिश्रा जी तुम्हारे पापा हैं ना स्कूटी चलाने, बाइक चलाने आता है? आता है बाइक चलाने, बाइक बाइक नहीं आती है, बाइक नहीं आती। क्या स्कूटी होती? स्कूटी चलाते हैं, ऊपर ऊपर चलाते हैं। चल घूमने चला, बिना रोड के चलाते हैं स्कूटी। हैं बिना रोड के रास्ते में? हाँ रास्ते में बाढ़ बाढ़ी। तो चलो ये आ गया भाई पापा जी का फोन और अब हम चलते हैं। कर कर दिए बाइक स्टार्ट, आप करा बोल जरा गियर गुड डाल जरा। हाँ फिर गियर करना अब। हाँ फिर गियर बदल में तुम गड़बड़ कर रहा। और गाइज हम रास्ते से जा रहे थे तो ये देखो आप भाई कितना सारा ना मधुमक्खी का पूरी खेती कर रखी, क्या बोलते इसको मधुमक्खी का, क्या मधुमक्खी पालन ना। और ये देखो
यहाँ पर ना ये भाई इन्होंने बहुत सारी मधुमक्खी की यहाँ पर ना मधुमक्खी पालन कर रखा है और यहाँ पर घूम रही है। डर भी लग रहा जाने में, बट ये देखो अगर इसको छेड़ते तो ही काटती है। और अब भाई जी से पूछते हैं, भाई ये है क्या? भाई जी है क्या इसमें? इसमें फीड है भाई, यानी कि ये चीनी का घोल। ये किस काम आता है? अब बाहर से शायद नहीं आ रहा तो इनका पेट भरने के लिए इनको चीनी देंगे। अच्छा, ये खुराक है इनकी। और ये हर उसमें एक ये दो रखना पड़ता है? दो, ये तो वैसे तो एक में एक ही लगाना होता है, लेकिन ये बढ़ गए तो डबल कर रहे हैं। ओहो, एक्स्ट्रा हो गए। अच्छा, ये बड़ी सारी मधुमक्खी है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं गुमानी वाला, तो चलो पापा सामने चले गए, तो चलो हम भी चलते हैं। नमस्ते अंकल जी, कैसे हो आप? ये देखो बड़ी मुस्कुराहट अच्छी आ रही है आपको कैमरे में। अभी चल रहा है इनका डिस्कशन, बातें हो रही है। और अब उसके जो पीछे ना, हाँ, ये प्लॉट की बात हो रही है, प्लॉट किसका, वो प्लॉट किसका है यार। अभी मैं आपको ना भैंस की बच्चे से मिलाता हूँ, बिछड़ा, इसकी माँ ना खो गई है और ये रो रही बेचारी। ये रो रही है, ये गुस्से में उठ गई भाई खड़ी, ओ गिर गई। और ये ना इसके चाचा हैं और ये अंकल जी मुस्कुरा रहे हैं मेरी बातें सुन सुन के। इसकी मम्मी खो गई थी ना, हाँ, उसकी आंसू, उसके आंसू आ रहे बेचारे के, आंसू आ रहे। आंटी आंटी कुछ बोलो बोलो बोलो, ये देखो शर्मा रहे हैं ये। और गाइस मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या आप देखो ये होली खेल रहे हैं, इनकी मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो खेलो होली, इधर शकल दिखाओ अपनी। वाह जी वाह, होली है, ये कौन सा टाइम है होली खेलने का है? तुम्हारे बेटा वीडियो बन गई अब, ये देखो। मैं नहीं खेल रहा। तुम नहीं खेल रहे ना, चलो ठीक है। और यार गाइस हम प्लॉट से देख के तो आ चुके अपना प्लॉट, क्योंकि यार कभी कभी प्लॉट पे जाना बहुत जरूरी है। और चाबी मैं दे दूं तुम्हें, चाबी है। और यार अब चलते सब्जी लेने के लिए, सब्जी लेनी है तो पापा बाइक लेके आएंगे, तो चलिए। गाइस कमेंट करके बताओ कि क्या आपने भी कभी साइकिल चलाई इस तरीके से। और ये देखो शर्मा रहा लड़का, ये देखो पीछे बिठा रखा छुटकू को और फिर ले चल रहा। तो यार दोस्तों घर जाने से पहले ना मुझे सब्जी लेनी पड़ेगी, बिकॉज सब्जी की जिम्मेदारी सारी मैंने ही ले रखी घर की, और मुझे पैक करवानी पड़ेगी क्योंकि भाई मोनी बोलती कि सब्जी तू ही लेके आएगा, तो मैं कहा ठीक है चलो सब्जी ले लेते हैं फिर निकलते हैं घर। तो अभी आप आ गए सामान लेके घर, और अभी हमें जाना है भाई हरिद्वार, बिकॉज जो मेरी सासू माँ है ना उनको जाना है कोलकाता ऋषिकेश से, तो अभी हमें जो है ऋषिकेश से उनको हरिद्वार छोड़ना है, और हरिद्वार से है भाई उनकी ट्रेन, तो चलिए अब चलते हैं ऋषिकेश। हम आ चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे, और हमारे साथ है सोनी। कितनी भीड़ है? भीड़ तो बहुत है, और बहुत दिनों के बाद आए हैं, मतलब ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मजा आ रहा है, मजा आ गया। और बहुत ज्यादा ना यहाँ पर लाउड नॉइज आ रही होगी। मेरा जमाई है, मैं मायके जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। ये ना गाइस कितने साल बाद जा रहे हो? 15 साल बाद भाई कोलकाता जा रही है मायके अपने, और मैं बूढ़ी हो गई, कोई पहचान ही नहीं पाएगा। और कुलदीप तू कितने साल बाद जा रहा है? 30 साल पहले। ये भाई जब से पैदा हुआ तब से अपने नानी के घर पहली बार जा रहा है, वाह क्या बात है। तो यार गाइस एक ना बहुत बड़ा कांड हो गया, ट्रेन थी 11:53 की रात की, लेकिन भाई 2 घंटे 5 मिनट लेट है ट्रेन, तो अभी ये आएगी 1:30 रात को। अब हम सोच रहे हैं भाई बाइक से कैसे ट्रैवल करें ऋषिकेश, बहुत नींद भी आ रही है। सर कुछ बोलना चाहोगी? कट गया बस कट गया गाइस हमारा। और कुलदीप कुछ बोलेगा? क्या बोले, बैठे हैं ये कह रहा क्या बोले बैठे हैं बस ये कह रहा मजा आ गया, लेट है हम टाइम से पहुंचेंगे, बट हमारे लिए दिक्कत हो गई ना। और यार इंतजार करते करते ना हमें लग रही थी भूख, और मैंने निकाल लिया आम, ये 1 किलो जो लाए थे ना उसमें ये लास्ट आम है और ये लास्ट आड़ू है। और भाई यार इतना खाने में मजा आ रहा है ना। और यार एक बात आप जरूर बताना कमेंट करके कि आपने कभी रेलवे स्टेशन पे लाइव जी है, क्योंकि भाई रात भर ना लोग बड़े मस्त तरीके से होते हैं रेलवे स्टेशन पे। और आपका सफर सबसे बढ़िया कहाँ का रहा वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना। और यार दोस्तों बहुत सारे लोग ना बहुत सारी गलतियां करते हैं, जब भी वो ना इलेक्ट्रिक स्टेयर से चलते हैं यानी कि सीढ़ी से, तो वो ना एकदम से घबरा जाते हैं, तो ऐसे नहीं करना, जस्ट एक पैर ऐसा रखना यूं, और ये देखो, और बिल्कुल बहुत इजी है। और उसके बाद नीचे भी कुछ लोग गलतियां करते हैं कि जब वो उतरते हैं ना तो वो एकदम से ना हड़बड़ा जाते हैं, तो वो नहीं करना आपको। जब आपको उतरना हो ना तो बहुत सिंपल है,
आपको इस तरीके से पैर रखना और आगे निकल जाना है। तो यार गाइस फाइनली हमने जो है मम्मी और कुलदीप को बिठा दिया ट्रेन में, और भाई अभी रात के बज चुके हैं 2, और पीछे देखो कितनी बढ़िया मूर्ति है शिव जी की। तो चलिए गाइस जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ब्लॉग कैसा लगा। जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।